आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। आज राजधानी लखनऊ में हुसैनाबाद ठाकुरगंज क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर गौ मांस पकड़ा गया और गौ तस्करों को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवाया गया, FIR दर्ज हुआ है। ये बहुत बड़ी हमारी जो है जीत हुई है। बार बार मुस्लिम समाज को समझाने के बावजूद कुरान शरीफ के हवाले, हदीस के हवाले देने के बावजूद भी जो है मुस्लिम समाज के लोग नहीं मान रहे हैं और गौ मांस बड़े पैमाने पर खा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर जो है, जब तक हम जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे, जब तक ये लोग गाय के बारे में सही ढंग से जो है जानकारी उनको नहीं मिलेगा। ये इनका काम है, चंद पैसों के खातिर जो है ये गौ हत्या करते हैं, गौ तस्करी मतलब करते हैं। हम इस पर सरकार को भी जो है कहते हैं कि सख्त सख्त कानून मतलब बनाए जाए, जो भी पकड़े जाएं उनको आजीवन कारावास की सजा हो। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का संगठन का विस्तार 25 राज्यों में संगठन विस्तार हो चुका है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक महासंघ एक विंग है जिसका विस्तार 11 प्रांतों में है। हमारे साथ संगठन के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, आप बताइए कि आपकी आगे की रणनीति क्या है, आपको पद मिला हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर आर्थर बॉकर है, मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक गौरक्षा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आगे की आपकी रणनीति क्या है? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय करीम भारती जी ने आपको बताया है, तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं और ये बात सत्य है कि हम लोग इन लोगों के बीच में जाकर है ना, और इस तरीके का प्रचार हम लोग करना चाहते हैं कि लोग इससे जागरूक हो पाए। और ये बहुत सारी इसको ये गाय को खाने के साथ साथ जो लोग खा रहे हैं इनको, इसमें बीमारियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, तो उससे भी ये बच सके। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हम इंद्रेश कुमार शुक्ला अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के महामंत्री और संगठन प्रभारी हैं। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है, ताकि उसको मूल रूप से इसको गौ मांस पर जो है वो लोगों का विचार परिवर्तित किया जा सके। क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं, गौ काट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान तो छिड़े हुए हैं जिसमें हमको आंशिक सफलता मिल रही है, लेकिन हमको पूर्ण सफलता पूर्ण रूप से इसमें सफल होने के लिए समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। एक बात और जो है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि इसमें कुरैसी समाज मुख्य था शामिल, तो ठीक बात है, जिसकी बहुत लंबे समय से वो काम ये काम कर रहे हैं, तो हमें उनको भी समझाना पड़ेगा, उनको भी जागरूक करना पड़ेगा, उनका भी विचार जो है हमको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी हमें इसमें सफलता मिलेगी, तभी हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। और हमारा संगठन इस समय 25 प्रदेशों में मुख्य संगठन 25 प्रदेशों में बन चुका है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का संगठन 11 प्रदेशों में बन चुका है और महिला प्रकोष्ठ का संगठन जो है लगभग 9 प्रदेशों में बन चुका है और दिन पर दिन हमारा संगठन जो है पूरे देश में फैल रहा है। हमारे संगठन की स्थापना 27 सितंबर 2017 को हुई थी, अभी लगभग हमको 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। 2 साल के अंदर हमने अपना संगठन लगभग पूरे देश में फैला दिया है और इसका श्रेय इस अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के अध्यक्ष माननीय श्री कलीम भारती जी को जाता है। हम लोग इनके विचारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता को, नंदी को भरपेट भोजन और स्वास्थ्य अच्छी तरह से मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है कि अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का एक प्रयास है कि जितनी भी गौशाला है उस गौशाला के अंदर मतलब एक प्लांट जो है तैयार किया जाए, जिससे जो है प्लांट गोबर से खाद और लकड़ी बनाने का एक प्रक्रिया शुरू हो, जिससे हम लोगों को रोजी रोटी के माध्यम से इसको जोड़ें और उसके आय से जो है हमारी गौ माता को जो है
जो मतलब इनका देख रेख जो है अच्छे ढंग से मतलब मुख्य नैरेटिव है वो गौ हत्या मुक्त भारत बनाना है, गाय को सम्मान दिलाना है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराना है। इसी सब के अंतर्गत जो आता है जो इसी सब के अंतर्गत हम चाहते हैं कि गाय के लिए जो बेसहारा पशुओं के लिए उनके लिए चरागाह की व्यवस्था हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। और इसी के अंतर्गत 11 फरवरी 2018 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमारे संगठन द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि प्रति गाय प्रति गोपालक को 2000 रुपए का एक भत्ता उपलब्ध कराया जाए, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने अभी जल्दी ही उस पर एक जीओ जारी किया है, जिसमें उन्होंने 900 रुपए प्रति गोपालक प्रति गाय भत्ता घोषित किया है। उसके लिए उन्होंने डीएम को आदेश किया है कि वो गौपालकों को चुनकर या गौपालकों को का पता करके हमको लिस्ट उपलब्ध कराएं, तो उनको 900 रुपए प्रति माह प्रति गाय उपलब्ध कराया जाएगा और एक व्यक्ति को चार गाय का भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा, इससे ज़्यादा उपलब्ध नहीं है।